Hello students, in the last lecture we have discussed about introduction to graph data structure. Today we will talk about representation of graphs in memory. In the previous lecture we have gone through different applications of graph data structure, definition of graph data structure, basic terminology which is associated with a graph data structure, and types of graphs like directed graph, undirected graph and weighted graphs and its different variations. Today we will talk about representation of graphs. So let us start with the representation of graphs. तो हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स की. बेसिकली दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर को. फर्स्ट इज सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड वन इज लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली किसकी हेल्प से की जाएगी? विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स. और जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है वो की जाती है एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म कर. तो ये क्या होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट, और किस तरह से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं इनको यूज़ करके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एडजेसेंट क्या होता है. एडजेसेंट टर्म के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा कि कोई भी दो नोड्स एडजेसेंट कहे जाएंगे अगर उन दोनों को कनेक्ट करती हुई कोई एज एग्जिस्ट करती है, तो वो दोनों नोड्स आपस में क्या होंगे? एडजेसेंट होंगे. अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं तो वहाँ पर अनडायरेक्टेड एज होती है. तो अनडायरेक्टेड एज दो नोड्स के बीच में होने का मतलब क्या है? सपोज ए और बी में कोई अनडायरेक्टेड एज है, तो ए इज़ कनेक्टेड विद बी, बी इज़ कनेक्टेड टू ए. तो ए और बी दोनों क्या हैं? एक दूसरे के एडजेसेंट नोड्स हैं. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम बेसिकली क्या करते हैं, वी विल रिप्रेजेंट ऑल द नोड्स विच आर एडजेसेंट टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन टू नोड्स आर सेट टू बी एडजेसेंट इफ देर इज एन एज कनेक्टिंग देम. तो कोई भी नोड आई और जे, अगर दो नोड मानकर चल रहे हैं, तो आई और जे के बीच में अगर कोई एग्जिस्ट एज एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते हैं कि दोज आर एडजेसेंट नोड्स. तो एज की प्रेजेंस को हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, एज की एब्सेंस को हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी. लाइक अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे तो डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्टेड एजेस एग्जिस्ट करती हैं. वहाँ पर अगर यू से वी की तरफ कोई एज जा रही है बट वी से यू की तरफ कोई एज नहीं जा रही, तो हम कहते हैं कि यू इज़ एडजेसेंट टू वी बट वी इज़ नॉट एडजेसेंट टू यू. तो वहाँ पर जो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में हमारी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी डायरेक्टेड एज के कारण, और अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी वो डिफरेंटली फॉर्म होगी. तो अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ जी की बात करते हैं, अगर वहाँ नोड वी है जो कि एडजेसेंट है नोड यू के, देन देर इज़ डेफिनेटली एन एज फ्रॉम यू टू वी. दैट इज़ इफ़ वी इज़ एडजेसेंट टू यू, वी कैन गेट फ्रॉम यू टू वी बाई ट्रेवर्सिंग वन एज. ठीक है, फॉर एनी ग्राफ जी हैविंग एन नोड्स एडजेसेंसी मैट्रिक्स विल हैव अ डायमेंशन ऑफ एन बाई एन. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो ग्राफ है वो एन नंबर ऑफ नोड्स से मिलकर बना है, तो जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे हम वो कैसे करेंगे, वो कौन सी डायमेंशन का एरे होगा? एन बाई एन का. मीन्स हम टू डी एरे लेकर चल रहे हैं जिसकी जो डायमेंशन है, जो ऑर्डर है, वो क्या रहेगा? एन बाई एन. ठीक है, किस केस में? जब हमारे पास एन नंबर ऑफ नोड्स हैं. तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम हम
रिप्रेजेंट करेंगे, लेबल करेंगे, वो कैसे करेंगे, बाय ग्राफ वर्टिसेस। तो अगर हमने कहा कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारा एक ग्राफ है, ए से बी की तरफ, बी किसी और से कनेक्टेड है, बी डी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो ये फाइव नोड्स का डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी, 5x5 की, और जो रो और कॉलम के लेबल्स होंगे वो उन वर्टिसेस के लेबल के इक्वल होंगे। लाइक जो फर्स्ट रो है वो क्या है, ए नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकेंड रो बी नोड को, थर्ड रो सी नोड को, फोर्थ रो डी नोड को, और फिफ्थ रो डी ई नोड को, ठीक है। इसी तरह से कॉलम्स, तो एन बाई एन का ये मैट्रिक्स होगा, एरे होगा, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमारे पास रो और कॉलम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेबल कैसे होंगे, बाय ग्राफ वर्टिसेस, और ग्राफ की हर एक एंट्री ए आई जे, इन एंट्रीज को हम क्या बोल रहे हैं, इस ग्राफ के जो मैट्रिक्स है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर एक एंट्री को क्या बोल रहे हैं, ए आई जे। तो आई किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रो इंडेक्स को, जे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम इंडेक्स को, ठीक है। तो हर एक जो वैल्यू है, ये जो ए आई जे की वैल्यू है, हर एक सेल की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, आई और जे वैरी कर सकता है 0 to n-1 तक, ठीक है, या 1 to n तक, डिपेंडिंग अपॉन कि हम क्या नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो एंट्री ए आई जे इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स विल कंटेन 1। अब उस एंट्री में 1 कब होगा, अगर जो ith नोड है, ith वर्टेक्स है वी आई, वो jth नोड, jth वर्टेक्स के एडजेसेंट होगा, ठीक है। तो जो हमारी ए आई जे, हर एक एंट्री को हम ए आई जे कह रहे हैं, ए आई जे एंट्री है जो, वो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। 1 कब होगी, अगर वी आई इज एडजेसेंट टू वी जे, वो कब होगा, जब वी आई टू वी जे कोई एज जा रही होगी, और अदरवाइज क्या होगी, वो एंट्री 0 होगी। तो अगर हम इसी डायरेक्टेड ग्राफ को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ए से बी की तरफ एज जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज एडजेसेंट टू बी, तो ए इज एडजेसेंट टू बी, तो ए और बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है उसे हमने क्या कर दिया, 1। ये एंट्री क्या हो गई है, 1, ठीक है। इसी तरह से डी की तरफ एज जा रही है, तो ए इज एडजेसेंट टू डी, तो यहाँ पर ये वाली एंट्री भी क्या हो गई, 1, ठीक है। पहले ए से बी की तरफ एज जा रही थी, तो ये वाली एंट्री क्या हो गई थी, 1। बाकी ए टू सी कोई एज नहीं जा रही, ए टू ई कोई एज नहीं जा रही, तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ए के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो एंट्रीज क्या हैं, 0 है। और ए से ए पे भी कोई सेल्फ लूप नहीं जा रहा, ए से ए कब होती, जब यहाँ पे इस ग्राफ में सेल्फ लूप होते, तो उस केस में ये एंट्री क्या हो जाती, 1 हो जाती, अदरवाइज क्या है, ये 0 रहेगी। इसी तरह से अब हमने बी को देखना है, बी किस किस के एडजेसेंट है, आप पहले ग्राफ में देखो, ग्राफ बी इज एडजेसेंट टू डी, और कोई एज नहीं जा रही, बी से ओरिजिन करती हुई कोई एज नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ बी की रो में सिर्फ एक एंट्री है जहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि बी से डी की तरफ एज जा रही है, और ये डायरेक्टेड एजेस हैं, इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली देखना पड़ेगा कि कोई एज कौन से नोड से ओरिजिन हो रही है, कौन से नोड पे एंड हो रही है, ठीक है। फिर इसी तरह से सी का देखेंगे, सी नोड किस किस के एडजेसेंट है, सी इज एडजेसेंट टू बी ओनली, सी से ए डी ई किसी की तरफ एज नहीं जा रही, ना ही सेल्फ लूप है, तो सी से बी की तरफ एज जा रही है सिर्फ, ठीक है, तो ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, 1। सिमिलरली डी से ई की तरफ एज जा रही है, तो डी इज एडजेसेंट टू 1, तो ये वाली जो एंट्री है जो ए डी ई के कॉरेस्पॉन्डिंग है वो क्या है, 1 हो जाएगी। इसी तरह से ई से सिर्फ सी की तरफ जा रही है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, 1। तो ये जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई है ये क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, किसके लिए, इस डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, जो ये डायरेक्टेड ग्राफ है हमारा, इस डायरेक्टेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, तो अगर इसी का
वेरिएशन ले लिया इसी ग्राफ का, डायरेक्टेड एजेस रिमूव कर दी हमने, ये हमने ग्राफ बनाया, तो इसकी जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी डायरेक्टेड ग्राफ से। कैसे? क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर ए से बी की तरफ कोई एज जा रही है तो वो इम्प्लाई करती है कि ए इज़ एडजेसेंट टू बी, बी इज़ ऑल्सो एडजेसेंट टू ए, वेयरएस यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ए से बी की तरफ एज जा रही थी, बी से ए की तरफ एज नहीं जा रही, तो ए इज़ एडजेसेंट टू बी बट बी इज़ नॉट एडजेसेंट टू ए। तो यहाँ इस डेफिनेशन के कारण ये वेरिएशन आएगा। तो ए किस किस के एडजेसेंट है यहाँ पर आप देखो, तो ए इज़ एडजेसेंट टू बी डी, ठीक है, तो ए इज़ एडजेसेंट टू बी एंड डी, ये दो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, वन, राइट। फिर हम बी को देखेंगे, तो इस केस में हमारे पास बी एडजेसेंट था सिर्फ डी के, बट यहाँ पर बी एडजेसेंट किस किस के है, बी इज़ एडजेसेंट टू सी, बी इज़ एडजेसेंट टू ए, बी इज़ एडजेसेंट टू डी। तो बी की रो के करस्पॉन्डिंग हमारी कौन कौन सी एंट्रीज वन हो जाएंगी, बी ए के एडजेसेंट है, बी सी के एडजेसेंट है और बी डी के एडजेसेंट है, ठीक है। इसी तरह से फिर सी के लिए, तो सी एडजेसेंट टू बी एंड ई, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वन हो जाएंगी, ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंट्रीज वन हो गई। इसी तरह से डी एडजेसेंट किसके हैं, ए बी और ई के, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि अगर ए टू बी एक एंट्री आप वन कर रहे हो तो बी टू ए एंट्री भी आप वन करोगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इम्प्लाई करता है कि अगर ए इज एडजेसेंट टू बी, बी इज एडजेसेंट टू ए ऑल्सो इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हम सारी मैट्रिक्स है जो वो फॉर्म कर लेंगे। तो जो जीरो एंट्रीज हैं वो क्या बता रही हैं, एब्सेंस ऑफ एज बिटवीन दोज टू नोड्स, और वन क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ एज और एडजेसेंसी ऑफ टू नोड्स, ठीक है, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बना लिया, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग बना लिया। इसी तरह से डायरेक्टेड ग्राफ विद लूप्स होगा, तो लूप्स के केस में क्या है, जहाँ पर हमारी सेल्फ लूप आ रही है बी टू बी आ रही है, तो यहाँ पर एंट्री बी टू बी भी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, वन सेल्फ लूप के केस में। तो इस तरह से आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स के लिए। वेटेड ग्राफ में क्या होगा, वेटेड ग्राफ में अनडायरेक्टेड ग्राफ की तरह ही होगा, या डायरेक्टेड ग्राफ की तरह ही हम बना सकते हैं जैसे हमने बनाई, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन एंड ज़ीरो हम क्या करेंगे, जो वेट होगा एज का उसे हम उसकी एंट्री में लिख देंगे, लाइक ए इज एडजेसेंट टू बी, क्योंकि ए से बी की तरफ एज जा रही है, तो वैसे नॉर्मली हम वन लिखते हैं, बट यहाँ पर वेटेड ग्राफ है तो हर एक एज का कोई ना कोई अलग अलग वेट है, अलग अलग नंबर असाइंड है, तो वो नंबर हम यहाँ पर इस एंट्री में लिख देंगे, ठीक है। तो बी इज एडजेसेंट टू सी है, नहीं बी इज एडजेसेंट टू डी है विद सेवन वेट, तो बी क्या है, एडजेसेंट टू डी है विद सेवन वेट, ठीक है, ए इज एडजेसेंट टू डी विद टू वेट, ठीक है, इसी तरह से सी इज एडजेसेंट टू बी विद फाइव वेट। तो जहाँ पर एब्सेंस ऑफ एज है वहाँ पर ज़ीरो ही आएगा, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एज है उसके एज का वेट हम इस मैट्रिक्स में प्लेस कर देंगे, तो ये वेटेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स जहाँ पर हम ज़ीरो और वंस की फॉर्म में लिखते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस को, उस मैट्रिक्स को हम बिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि हम एक बिट के दो ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, या बूलियन मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि या तो ज़ीरो या वन, ठीक है। तो इस तरह से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में एक ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक स्पार्स ग्राफ है, स्पार्स ग्राफ का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं, जो पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस हो सकते हैं उससे बहुत कम है हमारे ग्राफ में, तो वो स्पार्स ग्राफ होते हैं। अगर नंबर ऑफ एजेस जितने मैक्सिमम एजेस एग्जिस्ट कर सकती हैं ग्राफ में उतने के इक्वल या अप्रॉक्सीमेट इक्वल हों तो हम डेंसर ग्राफ कहते हैं। तो जब हम स्पार्स ग्राफ की बात करते हैं या स्पार्स मैट्रिसेस की बात करते हैं,
तो कहते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं ग्राफ की, तो वो क्या है हमारे लिए कॉस्टली होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है जो वो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्रीज है जो स्पार्स ग्राफ में वो क्या है ज़ीरोज होंगी, ठीक है। तो कम नंबर ऑफ़ एजेस हैं तो जो नंबर ऑफ एंट्रीज ऑफ हैविंग वन एलिमेंट वो बहुत कम होंगी, तो इसकी वजह से क्या है जो हमारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो कम स्टोर्ड है, मगर स्पेस क्या है हमारा एन बाई एन का यूज़ हो रहा है, तो जो स्पेस वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है वो यूज़ करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की, या लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ भी कहते हैं जिसे। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से आपको कुछ पॉइंट्स पता चले, वो क्या पता चले कि फॉर अ सिंपल ग्राफ व्हेन देयर इज़ नो लूप, तो सिंपल ग्राफ विद नो लूप्स वहाँ पर जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, ज़ीरो होंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका सेल्फ लूप के साथ है, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट वन है, ज़ीरो नहीं है, बट इन अदर केसेस आपका जो डायगोनल है मैट्रिक्स का ये क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। इस ग्राफ में भी डायगोनल ज़ीरो है, इस ग्राफ में भी डायगोनल ज़ीरो है, मीन्स जहाँ पर सेल्फ लूप है वहाँ पर नहीं होगा। बाकी सभी सिंपल ग्राफ में जहाँ पर लूप्स नहीं हैं वहाँ पर डायगोनल हमेशा ज़ीरोज़ रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, एडजेसेंसी मैट्रिक ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिक। थर्ड, मेमोरी यूज़ ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा एन बाई एन मैट्रिक्स हम यूज़ करेंगे फॉर द एन नंबर ऑफ नोड्स ग्राफ, तो जहाँ पर ग्राफ में एन नंबर ऑफ नोड्स हैं वहाँ पर एन बाई एन की मैट्रिक्स यूज़ होगी, तो जो मेमोरी स्पेस यूज़ होगा वो कितने किस ऑर्डर में होगा, एन स्क्वायर, एन बाई एन मीन्स एन स्क्वायर ऑर्डर में होगा। नंबर ऑफ वंस इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ, तो जितनी एजेस एक ग्राफ में होंगे उतने नंबर ऑफ वंस है जो वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो नंबर ऑफ वंस इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 इन केस ऑफ डायरेक्टर ग्राफ, तो जितनी एजेस हैं उतने हमारे पास वंस होंगे एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। बट इन अनडायरेक्टेड ग्राफ ईच एज इम्प्लाइज टू टाइम्स, ए टू बी एंड बी टू ए ऑल्सो, बी टू सी एंड सी टू बी ऑल्सो, तो यहाँ पर कितने होंगे, डबल नंबर ऑफ वंस होंगे। तो अगर 6 एजेस हैं हमारे पास तो 12 नंबर ऑफ वंस होंगे हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वंस हमारे पास नंबर ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर ए वेटेड ग्राफ कंटेन्स द वेट ऑफ एजेस कनेक्टिंग द नोड्स, तो वेटेड ग्राफ की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होगी वहाँ पर जो वेट ऑफ एजेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कनेक्शन ऑफ नोड्स को, एडजेसेंसी ऑफ नोड्स को, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं पावर्स ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जनरली जो हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये क्या है, अगर हम इस मैट्रिक्स को m कहें तो इसकी पावर क्या है, m रेज टू पावर 1, या सिंपली m, ठीक है। तो वो क्या बताता है कि हर एक एंट्री है जो मैट्रिक्स की ith रो से jth कॉलम की, वो क्या बताता है कि देयर एग्जिस्ट अ पाथ ऑफ लेंथ 1 फ्रॉम ith नोड टू jth नोड, ठीक है। तो 1 लेंथ का जो पाथ एग्जिस्ट करता है ith और jth नोड के बीच में, लाइक हमने कहा ए से बी में अगर कोई एंट्री 1 है तो इसका मतलब क्या है, ए और बी नोड के बीच में 1 लेंथ का एक पाथ एग्जिस्ट करता है। ए टू डी 0 है, मीन्स ए और डी के बीच में 1 लेंथ का कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। ए टू सी के बीच में 1 लेंथ का एक पाथ एग्जिस्ट करता है, अगर हम सिंपली एक पावर की बात करते हैं, अगर इस मैट्रिक्स को ए 1 कहें या ए कहें, तो ये क्या कंक्लूड करता है कि देयर एग्जिस्ट अ पाथ ऑफ लेंथ 1 फ्रॉम ith नोड टू jth नोड, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में हम डिफरेंट पावर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर, ए 3, ए की पावर 4, तो ये क्या बताएगा, ए 1 बताता है लेंथ 1 के पाथ का, ए 2 बताएगा कि अगर ith नोड से jth नोड के बीच में 2 लेंथ का
कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसी तरह से तीन लेंथ का पाथ कोई एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसी तरह से चार, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट पाथ की हम बात नहीं कर रहे, वी आर सेइंग अ पाथ। पाथ ऑफ लेंथ वन कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट एज होगी। पाथ ऑफ लेंथ टू कहने का मतलब क्या है कि कोई इंटरमीडिएट, दो लेंथ का पाथ होगा, मीन्स दो एजेस को कवर करते हुए हम जाएंगे और कोई इंटरमीडिएट नोड होगा, उस नोड के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है। लाइक हमने कहा कि ए आई जे ऑफ लेंथ टू, तो इसका मतलब क्या है कि ए टू, जो आई टू के हम जाएंगे, एक एज यहाँ आ जाएगी, फिर के टू जे जाएंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा पाथ, ए आई टू ए जे, ठीक है। तो ए आई टू ए जे पाथ लेंथ कितनी होनी चाहिए, टू। तो अगर ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट करेगा तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो वो एंट्री, कोई भी एंट्री है ए आई जे, वो वन कब होगी, अगर ए आई के और ए के जे इज इक्वल टू वन है, इन केस ऑफ पाथ लेंथ वन। तो अगर हमारे पास, हमारी प्रीवियस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में ए आई के और ए के जे दोनों वन हैं, तो ए आई जे की एंट्री है जो सेकंड लेंथ की पाथ वाली मैट्रिक्स में वन हो जाएगी। दैट इज़ इफ देर इज़ अ एज बिटवीन आईएथ एंड केएथ नोड एंड केएथ एंड जेएथ नोड, देन देर इज़ अ पाथ फ्रॉम आई टू जे ऑफ लेंथ टू, ठीक है। इसी तरह से ए थ्री का मैंने बताया कि पाथ लेंथ हमारी होगी थ्री और आई टू जे हम नोड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ए एन, तो हम ये मैट्रिसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर जो कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, ए वन और ए वन की मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो वो ए स्क्वायर बन जाएगी। तो अगर हम ए वन को ये कह रहे हैं, ये हमारे ग्राफ की एडजेसेंसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ए वन लिया, मल्टीप्लाई किया ए वन से, तो हमारे पास मिली ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी इनकी मल्टीप्लिकेशन से होगी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वन और ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और ज़ीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ए से बी, ए से ए नोड में कोई पाथ नहीं एग्जिस्ट करता दो लेंथ का, ए से बी में भी नहीं एग्जिस्ट करता लेंथ टू का, ए से सी के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करता है ऑफ लेंथ टू, ठीक है। तो ए से सी के बीच में एक पाथ एग्जिस्ट करेगा ऑफ लेंथ टू। ए से सी के बीच में लेंथ वन का एक पाथ एग्जिस्ट करता था, वो तो करता ही था, ये वाली एंट्री रिप्रेजेंट कर रही थी उस चीज़ को, बट हम कह रहे हैं ए टू सी एक पाथ एग्जिस्ट करता है लेंथ टू का। तो ए से सी पाथ लेंथ कितनी है, टू। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ कैसे मिलेगी हमें, हम ए टू बी जाएंगे और बी टू सी जाएंगे, ठीक है। तो पाथ लेंथ कितनी होगी, वन टू, तो एक पाथ एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से वे कहते हैं कि ए टू डी क्या है, पाथ लेंथ टू के टू पाथ एग्जिस्ट करते हैं। तो ए टू डी जाने के दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं और पाथ लेंथ भी कितनी होगी, टू। तो ए से बी जाएंगे, बी से डी जाएंगे, एक हो गया पाथ दो लेंथ का, ठीक है। दूसरा ए से सी जाएंगे, सी से डी जा सकते हैं, तो ये दूसरा पाथ हो गया। तो दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं ऑफ पाथ लेंथ टू, ये हमारे पाथ लेंथ टू की मैट्रिक्स आ गई, ये हमारी पाथ लेंथ थ्री की मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास पाथ लेंथ फोर की मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास कितने नोड थे, चार नोड थे, तो हम कितनी पावर तक कैलकुलेट करेंगे, चार तक कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब मैट्रिसेस को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी बी ऑफ पाथ लेंथ एन। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी आर मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हो रही है वो क्या बता रही है, इट गिव्स अ नंबर ऑफ पाथ्स ऑफ लेंथ आर और लेस देन आर फ्रॉम वी आई टू वी जे। तो मैक्सिमम पाथ लेंथ हमने बता दी या तो आर लेंथ का या लेस देन आर लेंथ का,
हमारे पास कोई ना कोई जो पाथ एग्जिस्ट करेगा और नंबर ऑफ पाथ्स बताएगा ये, ठीक है। तो अगर इन सभी एंट्रीज को अगर हम जोड़ देंगे तो जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो बताएगी हमें कि कितने नंबर ऑफ पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, किस लेंथ के, ऑफ लेंथ आर और लेस देन आर फ्रॉम वर्टेक्स आई टू जे। तो हर एक आई जे के लिए हम उसे देख सकते हैं उन एंट्रीज को, तो हर एक एंट्री ये चीज़ सिग्निफाई करेगी। तो बेसिकली ये जो बी मैट्रिक्स हम फॉर्म कर रहे हैं वो पाथ मैट्रिक्स को बनाने के लिए फॉर्म कर रहे हैं। तो पाथ मैट्रिक्स क्या बताती है, किसी भी नोड आई से किसी भी नोड जे तक जाने का कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो पाथ लेंथ वन का हो, टू का हो, थ्री का हो, अप टू एन लेंथ का हो। तो अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो जो पाथ मैट्रिक्स की एंट्री वन हो जाएगी इस बी के कोरस्पॉन्डिंग, अदरवाइज अगर ज़ीरो एंट्री होगी तो वो पी आई जे की एंट्री भी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए, बी मैट्रिक्स की नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के लिए पी आई जे मैट्रिक्स है जो उसकी एंट्री वन हो जाएगी। तो बी मैट्रिक्स को हम पाथ मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने प्रीवियस बी मैट्रिक्स फॉर्म की थी जोड़ करके, ये हमारे पास ये फॉर्म हो गई। तो इसमें ये सारी नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, इसका मतलब क्या है, सारी एंट्रीज पाथ मैट्रिक्स की वन हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि वो जो ग्राफ है उसमें हर एक नोड से हर दूसरे नोड पे जाने का कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता है ऑफ लेंथ, ऑफ पाथ लेंथ एन और लेस देन एन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और जो फाइनल हमें मैट्रिक्स मिलती है सभी एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट पाथ लेंथ्स को जोड़ने के बाद, उसकी हेल्प से हम पाथ मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमारी जो मेमोरी वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है इन केस ऑफ स्पार्स ग्राफ्स, ठीक है। तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। तो एडजेसेंसी लिस्ट इज़ अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स इन कंप्यूटर मेमोरी। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक लिंक लिस्ट बनाते हैं हर एक नोड के कोरस्पॉन्डिंग, और वो लिस्ट कैसे फॉर्म हो रही है कि उस पर्टिकुलर नोड के कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं उनके उनकी हम एक अलग अलग लिंक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो हर एक स्ट्रक्चर में क्या है, लिस्ट ऑफ नोड्स होंगे और हर एक जो नोड है उसके लिए हम एक लिंक लिस्ट रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एवरी नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लिंक लिस्ट, और उस लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स कौन से होंगे जो उस पर्टिकुलर नोड के एडजेसेंट नोड्स होंगे वो वाले, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास चार नोड्स थे, मगर चार नोड्स क्या हैं आपस में, सारे तो एडजेसेंट नहीं है, एक एडजेसेंट कौन है बी और एक एडजेसेंट है सी। तो ए के करस्पॉन्डिंग हमने एक लिंक लिस्ट बनाई, उसमें हमने नोड्स कौन से रखे जो ए के एडजेसेंट है। तो एक नोड बनाया बी, ए के करस्पॉन्डिंग एक लिंक लिस्ट बनी जिसमें एडजेसेंट नोड्स क्या है उसके बी और सी लिखे, ठीक है। तो सी का नेक्स्ट पोर्शन है जो नल रख दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे कोई एडजेसेंट नोड नहीं है। इसी तरह से बी के एडजेसेंट कौन है, बी के एडजेसेंट है सी और बी के एडजेसेंट है डी। तो बी के करस्पॉन्डिंग एक लिंक लिस्ट बना दी, सी के एडजेसेंट सिर्फ डी है तो इसकी एक लिंक लिस्ट बन गई, और डी के करस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट नोड है वो क्या है, ए और बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लिंक लिस्ट बना दी। तो इस तरह से हमने क्या किया, एडजेसेंसी लिस्ट फॉर्म कर दी डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के करस्पॉन्डिंग। तो एडवांटेज क्या है इस एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ करने के, इट इज़ ईजी टू फॉलो एंड क्लियरली शोज द एडजेसेंट नोड्स ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। वहाँ पर हमें ट्रेस आउट करना पड़ता था हर एक आई जे एथ एंट्री को, ज़ीरो और वन के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि अगर वो एंट्री ज़ीरो है तो मीन्स वो एडजेसेंट नहीं है, वन है तो मीन्स वो एडजेसेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्लियरली दिख जाता है हमें कि कौन सा नोड किसके किस पर्टिकुलर नोड के एडजेसेंट है बाय फॉलोइंग इट्स लिंक लिस्ट, ठीक है। इट इज़ ऑफन यूज फॉर स्टोरिंग द ग्राफ दैट हैव स्मॉल टू मॉडरेट नंबर ऑफ
एजेस। तो जब हमारे पास ग्राफ में कम एजेस होंगी तो उस केस में हम जो ग्राफ्स को इस फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो स्पार्स ग्राफ्स होंगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे, बाकी केसेस में हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स को ही यूज़ करेंगे। थर्ड जो एडवांटेज है वो क्या है, एडिंग न्यू एलिमेंट और न्यू नोड इन जी इज ईजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हेन जी इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ एडजेसेंसी लिस्ट। तो अगर हमने एक नया नोड ऐड करना है ग्राफ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया नोड ऐड करना ईजी है, ठीक है। लाइक मैंने इस डी नोड के करस्पॉन्डिंग एक एडजेसेंट नोड ऐड कर दिया ई। तो अगर ई नोड इसके एडजेसेंट ऐड किया तो मुझे सिंपली इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा, बी का नल पॉइंटर हटाकर इसको पॉइंट आउट कर दूंगी ई को, ठीक है। तो अगर यही चीज़ हमें मैट्रिक्स में करनी पड़ती तो हमें क्या करना पड़ता, मैट्रिक्स को रीफॉर्म करना पड़ता, उसका साइज़ चेंज करना पड़ता। पहले हमारा 4x4 की थी, अब हमें 5x5 की मैट्रिक्स करनी पड़ेगी और फिर उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री को 1 करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता, रीऑर्डरिंग करनी पड़ती, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमें प्रमोट करते हैं कि हम एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ करें इन केस जब हमारे पास ग्राफ में जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो बहुत स्मॉलर नंबर हो, ठीक है। तो ज़्यादा एजेस होंगी तो हम मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, बट जब कम नंबर ऑफ एजेस होंगी ग्राफ में तो हम एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो ये हमारी डायरेक्टेड ग्राफ की करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट थी, ये हमारी अनडायरेक्टेड ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी लिस्ट है। तो ए इज़ एडजेसेंट विद बी एंड डी, ठीक है, बी इज़ एडजेसेंट विद ए सी एंड डी, सी इज एडजेसेंट विद बी एंड ई, एंड ई इज़ एडजेसेंट विद डी एंड सी, एंड डी इज़ एडजेसेंट विद ए बी एंड ई, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमने वेटेड ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है तो उस केस में हम जो नोड हम क्रिएट करेंगे उसमें दो फील्ड ना हो करके 3 फील्ड होंगे, जैसे कि हमने प्रायोरिटी क्यू में भी देखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एडजेसेंट नोड है उसकी एज पे जो वेट लिखा है उसको भी स्टोर करेंगे। लाइक ए इज़ एडजेसेंट विद बी और उसकी एज का वेट क्या है 4, ठीक है। ए इज़ एडजेसेंट विद डी और एज वेट क्या है 2, तो वो एज वेट है जो वो भी हम स्टोर करेंगे लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा उसमें हमने जो इम्प्लाइड एंट्रीज थी वो भी हमें दोबारा करनी पड़ेंगी, जैसा कि हमें मैट्रिक्स में करना पड़ता था। ए इज़ एडजेसेंट विद बी, इट इम्प्लाइज बी इज़ एडजेसेंट टू ए ऑल्सो, ठीक है। सी इज़ एडजेसेंट विद बी, सो बी इज़ एडजेसेंट टू सी ऑल्सो। तो इस तरह से हम एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स के लिए। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि जो हमारे ग्राफ है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में। हमने दो तरह की टेक्निक्स पढ़ी, फर्स्ट इज़ एडजेसेंसी मैट्रिक्स या सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी, दूसरा लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इन मेमोरी जिसे हम विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ आपका ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।